जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में फैला हुआ है, और हमारे हिंदुस्तान में भी जब टोटल जो आज की डेट में टोटल केसेस हैं वो 283 हो चुके हैं। और कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी के लिए हमारे हॉन्बल प्राइम मिनिस्टर ने कल 22 मार्च संडे के दिन सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि वो सिविल कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू जो है लगाए, और जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक हर कोई अपने घरों में ही रहे, किसी भी काम के लिए कल कोई भी बाहर ना निकले। सो उसी की पहल में मैं सभी पुंछवासियों से ये अपील करता हूँ कि वो जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। ये आपके खुद के भले के लिए है, कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है। जो भी मुल्क जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई वहाँ पर कोरोना वायरस के केस बहुत तेजी से फैले हैं, जिसमें हमारे सामने ऑलरेडी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका भी एग्जाम्पल है, जिसमें स्पेन और इटली में आप देखेंगे कि तो पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैला है। उसी में अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें पाकिस्तान में, तो वहां पर भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैला है, और पिछले कुछ दिनों में वहां पर हर दूसरे तीसरे दिन केसेस दुगने तिगने हो जा रहे हैं। आज की डेट में वहां पर पाकिस्तान में 666 केसेस अभी तक हो चुके हैं, और कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सबसे अहम है सोशल डिस्टेंस। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी पुंछवासियों से मेरी ये अपील है कि कल सिविल कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे का तामन करें, और ये आप सबकी भलाई के लिए है। इसमें आपने रादर देन इसको एडमिनिस्ट्रेशन का तामन के साथ की तरह ना देखकर आपने ये देखना है कि किस तरीके से आप एक दूसरे को, किस तरीके से सिविल कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाने में, जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाने में आप एक दूसरे की किस तरह से मदद करेंगे, और कल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने घरों में ही सीमित रहेंगे, ताकि सही मायने में हम कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोक सकें। इसके अलावा सभी पुंछवासियों से मैं ये भी अपील करता हूँ कि शब मेराज पे भी वो अपने घरों में ही इबादत करें, अपने घरों में ही शब जो है मनाएं, और हमारी जो मस्जिद है वहां पर ना इकट्ठे हों, क्योंकि अगर कहीं पर भी भीड़ भाड़ होती है, कहीं पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमेशा कोरोना वायरस के स्प्रेड का खदशा खदशा बना रहता है। इसी तरीके से हमारा आने वाला त्यौहार नवरात्र के त्यौहार में भी सभी मेरी पुंछवासियों से अपील है कि वो किसी भी मंदिर में कोई भी सोशल गैदरिंग, कोई भी प्रोग्राम ना करें, और अपने अपने घरों में ही पूजा करें। सो सभी पुंछवासियों से मेरी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग को सक्सेसफुल बनाने में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें, ताकि सही मायने में हम जनता कर्फ्यू को भी सक्सेसफुल बना सकें, और उसके बाद भी हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख सकें, जिससे हम कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोक सकें। थैंक यू।